हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मैं हूं वेणुगोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं फ्लूइड मैकेनिक्स। जो लास्ट वीडियोस थे हमारे, उसमें हमने आइडियल फ्लो एंड पोटेंशियल फ्लोस के बारे में पढ़ लिया पूरी तरह से, और अब हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं विस्कस फ्लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो विस्कस फ्लो को स्टडी करने से पहले, या किसी भी तरीके के फ्लो को हम स्टडी करेंगे जब रियल फ्लूइड्स में, तो उसके पहले सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट क्या था। ओके, रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट हमारा जो रियल फ्लूइड फ्लो जो है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट क्या था, देखिए यहां पर रेनॉल्ड जो साइंटिस्ट था उसने एक्सपेरिमेंट किया और दो तरह के फ्लोस के बारे में हमको समझाया, दैट इज अ लेमिनार फ्लो और अ टर्बुलेंट फ्लो। हम जानते हैं कि लेमिनार फ्लो क्या होता है। लेमिनार फ्लो उस फ्लो को बोलते हैं जिसमें जो फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं वो पैरेलल लेयर्स में फ्लो होते हैं। ठीक है, और एक फ्लूइड पार्टिकल अपने जो पाथ होता है उसको छोड़ करके किसी दूसरे रैंडम पॉइंट पे जंप नहीं करता है। यानी कि लेमिनार फ्लो में जो फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को फॉलो करते रहते हैं, एक के पीछे एक पार्टिकल्स रहते हैं और स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है, स्ट्रीम लाइन के अलॉन्ग फ्लो होता है, उसे हम लेमिनार फ्लो कहते हैं। लेमिनार फ्लो जो होता है वो हमको कम वेलोसिटी पे देखने को मिलता है। ठीक है, सिमिलरली हम जाते हैं टर्बुलेंट फ्लो उस फ्लो को कहते हैं जिस फ्लो में जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं उनका मोशन बहुत ही रैंडम होता है, और जो फ्लूइड पार्टिकल होता है वो एक प्लेन से दूसरे प्लेन में अलॉन्ग दी डायरेक्शन ऑफ मोशन जंप करते रहते हैं। ठीक है, सो ऐसे फ्लो को हम टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं, ये हम जानते हैं। तो ये हमको पता कैसे चला ये कहां से आया, तो ये सब डिस्कशन किया गया था रेनॉल्ड के एक्सपेरिमेंट में। तो वो एक्सपेरिमेंट कैसा था देखते हैं। एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप है वो बहुत ही सिंपल है। उसमें एक ग्लास की ट्यूब होती है बहुत लंबी, जिसके एंड पे एक वॉल लगा होता है, बेसिकली जिसको हम टैप बोलते हैं, नल लगा होता है एक तरीके से बोल सकते हैं हम। ठीक है, यहां पर इस वाटर को कलेक्ट करने के लिए, जो यहां से डिस्चार्ज आएगा उसको कलेक्ट करने के लिए एक सम्प होता है। ओके, नाउ यहां पर एक रिजर्वायर होता है। ठीक है, रिजर्वायर में भी जो भी फ्लूड है, बेसिकली हम वाटर की डिस्कशन करेंगे यहां पर अभी, सो इस रिजर्वायर में वाटर भरा हुआ होता है। देन इस रिजर्वायर में एक सेगमेंट होता है, एक बॉक्स होता है जिसके अंदर डाई भरी होती है, एक इंक बोल सकते हैं हम, डाई भरी होती है। ठीक है, मैजेंडा पिंक कलर की, आप लोग जब अगर कॉलेजेस में आपने रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट किया होगा तो आपने देखा होगा एक मैजेंडा पिंक कलर की एक इसमें डाई होती है। ठीक है, यहाँ से एक जेट निकली होती है इस जो बॉक्स से, और ये जो हमारा ग्लास की ट्यूब है इसके एक्सिस पे ये कोएक्सियल होती है। ठीक है, ये जो जेट निकली हुई है यहाँ से डाई से, वो हमारे जो ग्लास ट्यूब है उसके साथ कोएक्सियल होती है। ठीक है, दिस इज अ डाई जेट। ये बहुत पतला जेट बनाता है, जस्ट लाइक अ स्ट्रिंग, है ना, जस्ट लाइक अ स्ट्रिंग, तार के जैसा पतला सा ये हमको आउटपुट देता है। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंट काम कैसे करता है, बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है। क्या किया जाता है, जो ये वॉल्व है, इसको वॉल्व को हम ऑपरेट करते हैं, तो यहाँ से जो रिजर्वायर है, जो हमारे पास रिजर्वायर है, रिजर्वायर से जो लिक्विड है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाता है और धीरे धीरे सम्प में कलेक्ट होने लग जाता है। करेक्ट, अब होता यह है जब फ्लूड यहाँ पर फ्लो होता है, जैसे जैसे हम वॉल को ओपन करते जाते हैं, जैसे जैसे वॉल ओपन होते जाता है वैसे वैसे जो है यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लूड आने लग जाता है, फ्लूड की वेलोसिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, क्योंकि डिस्चार्ज बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे वॉल को ओपन करेंगे, हम जानते हैं हमने वहाँ वाटर की बात करी है, यहाँ पर अभी हम वाटर लेके चल रहे हैं। ठीक है, वाटर क्या है, लिक्विड है, और मोस्टली जब तक वेलोसिटी बहुत ज़्यादा ना हो, सोनिक वेलोसिटी यानी कि 360 kmph की स्पीड को जब तक ये पार नहीं कर लेता, ठीक है, तब तक के ये कंप्रेसिबल इफेक्ट नहीं दिखाता, कंप्रेसिबिलिटी इसकी एकदम नेग्लिजिबल होती है। सो लेट अस कंसीडर दिस इज इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल इसको मान के चलते हैं। सो इनकम्प्रेसिबल के लिए हम जानते हैं कि रेट ऑफ डिस्चार्ज क्यू इज इक्वल टू ए इंटू वी। ओके, जैसे जैसे हम वॉल को ओपन करेंगे डिस्चार्ज बढ़ेगा तो ये वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। ठीक, तो ये हमको समझ आ गया। अब ये काम कैसे करा, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल क्लोज था जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया गया, तो उस समय वॉल क्लोज रखेंगे हम। अब जैसे जैसे वॉल को ओपन करेंगे और साथ ही साथ ये जो डाई है इसको भी हम ओपन करेंगे, डाई की सप्लाई हम वॉल्व से ऑपरेट करेंगे, डाई की जो वॉल्व है उसको ओपन कर देंगे। जैसे जैसे हम इस डिस्चार्ज वॉल को ओपन करते जाएंगे वाटर फ्लो होगा, वाटर के साथ साथ कोएक्सियली जो डाई भी है वो भी फ्लो होने लगेगी लाइक दिस। सो रेनॉल्ड ने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे ये वॉल को ओपन करता है, ये जो पहले जब सबसे फर्स्ट कंडीशन की बात करूँ, जब फ्लूइड की वेलोसिटी बहुत कम थी,
when v, that is velocity of fluid, और इसको आप capital U भी बोल सकते हो, capital U और U infinite से भी अलग अलग book में show करते हैं. So v और you can say U infinite, ठीक है. So ये जो velocity है जैसे जैसे बढ़ते जाती है, ठीक है, वैसे वैसे ये जो डाई है इसके शेप में चेंज होता है. अब कैसे चेंज होता है वो देखते हैं. जब वेलोसिटी कम थी तो ये स्टार्टिंग टू एंड इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं था और ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट हमको मिलती है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट हमको मिलती है. जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ते जाती है हम देखते हैं कि ये स्ट्रेट अब नहीं रह गई, अभी इसमें धीरे धीरे वेव्स फॉर्म होना चालू होते हैं. ओके, अभी भी फ्लो ऑलमोस्ट लैमिनार ही है. उसके बाद उसने देखा जब वेलोसिटी बहुत बढ़ गई तो जो डाउनस्ट्रीम साइड है थोड़ी दूर तक तो ये ठीक है, लैमिनार थोड़ी दूर तक दिखता है एक स्ट्रेट फॉर्म में, उसके बाद ये पूरा ऐसा फैल जाता है और यहाँ पर जो एंड पोर्शन है डाउनस्ट्रीम साइड का जो पोर्शन है उस तरफ पूरा जो वाटर है वो पिंक कलर का उसको दिखने लग जाता है. तो यहाँ पर उसको समझ आया कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो फ्लूड के पार्टिकल्स हैं, जो डाई है दैट इज ऑल्सो अ फ्लूड. ओके, तो एक पर्टिकुलर लेंथ के बाद जो फ्लूड पार्टिकल है वो रैंडम पाथ में चले गए और ये जो पूरा स्पेस था उसको ऑक्यूपाई कर लिया, तो इसलिए यहाँ पर जो पूरा कलर था वो चेंज हो गया. तो इस एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट निकला कि जो फ्लूड की वेलोसिटी है वो डिपेंड उससे डिसाइड होता है कि फ्लूड का जो मोशन, फ्लूड पार्टिकल का वो मोशन है वो एक लाइन के अलॉन्ग होगा या रैंडम होगा. तो जो स्ट्रेट लाइन, जब जिस वेलोसिटी की रेंज तक के हमको स्ट्रेट लाइन मोशन मिल रहा था, लैमिनार मोशन मिल रहा था, स्ट्रीम लाइन मोशन मिल रहा था, ठीक है, उसको उसने नोट डाउन किया कि हाँ ये वैल्यूज हमारे पास हैं. ठीक, अब इसको जस्टिफाई करने के लिए, इसको इस सिचुएशन को जस्टिफाई करने के लिए कि कैसे हम बताएंगे कि फ्लो अब लैमिनार है और अब टर्बुलेंट है, एक टर्म उसने इंट्रोड्यूस किया, दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर. रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर, अब इसको समझते हैं. ठीक, रेनॉल्ड नंबर को डिफाइन किया जाता है इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स से हम रेनॉल्ड नंबर को डिफाइन करते हैं. अब इनर्शिया फोर्स क्या होता है, इनर्शिया फोर्स दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए, है ना. इनर्शिया फोर्स क्या होता है, देखिए हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी स्टेट ऑफ मोशन में है, आइदर वो रेस्ट पे है और वो मोशन में है, इन बोथ केस वो अपने मोशन को कंटिन्यू करने की टेंडेंसी रखता है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया. ठीक है, तो जब कोई पार्ट, जैसे कि अभी मैं मूव हो रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, तो मुझे अगर अपने आप को रोकना है तो आई हैव टू अप्लाई सम फोर्स ताकि मैं रुक सकूं. सो जब कोई पार्टिकल किसी भी स्टेट ऑफ मोशन में होता है तो उस स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करने के लिए उसमें एक फोर्स एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया फोर्स. ठीक है, सिमिलरली जो इनर्शिया, जो विस्कस फोर्स है उसको देखते हैं. विस्कस फोर्स हम जानते हैं कि जब कोई फ्लूड रियल फ्लूड होता है तो उसमें विस्कोसिटी होती है और उसके इंटरमोलिकुलर प्लेन्स के बीच जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स आता है, दैट इज द रेजिस्टेंस टू फ्लो. ओके, जो रेजिस्टेंस फोर्स को फील होता है ड्यूरिंग फ्लो, दैट इज कॉल्ड विस्कस फ्लो, विस्कस फोर्स. ओके, सो उसने कहा कि ये जो रेनॉल्ड नंबर होगा दैट इज, दैट विल बी रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड विस्कस फोर्स. इनर्शिया फोर्स कैसे, जब ये जो फ्लूड फ्लो हो रहा है दैट इज फ्लोइंग ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, ये आपका फ्लूड जो है वो फ्लो हो रहा है तो इस फ्लो को वो मेंटेन रखेगा एट अ सर्टन वेलोसिटी. ठीक है, एक सर्टेन वेलोसिटी पे उसको मेंटेन रखेगा, सो देयर विल बी अ इनर्शिया फोर्स. ओके, और क्योंकि ये रियल फ्लूड है दैट्स व्हाई इनके लेयर, इनके मॉलिक्यूलर लेयर्स के बीच में विस्कस फोर्स भी होगा. सो रेनॉल्ड नंबर विल बी इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स. सो अब देखते हैं रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या होगा. सो रेनॉल्ड्स नंबर हमने देखा ये होता है इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स. ठीक है, इनर्शिया फोर्स, जैसे कि इनर्शिया फोर्स सिंपली आपका आता है न्यूटन सेकंड लॉ से. सो इनर्शिया फोर्स एफ विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस विल बी द इनर्शिया फोर्स. एंड विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स हम जानते हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की बात करूँ, सो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई. सो दिस इज शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस इंटू एरिया विल गिव यू शेयर फोर्स, दैट इज द विस्कस फोर्स. सो टाउ इंटू एरिया, टाउ इंटू एरिया विल बी इक्वल टू एफ, दैट इज द शेयर फोर्स, और वी से इट विस्कस फोर्स, शेयर फोर्स और विस्कस फोर्स. ठीक है, सो टाउ हो गया आपका म्यू डी यू बाई डी वाई इंटू एरिया.
ओके सो अब देखते हैं मास, मास होता है आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम दैट इज मास इंटू एक्सलरेशन, एक्सलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ये होता है आपका एक्सलरेशन, देन म्यू डी यू बाई डी वाई, ओके डी यू बाई डी वाई। सो अब हम देखते हैं कि जो वेलोसिटी है, मैंने देख बताया आपको कि पहले ये यहाँ पर हमने वॉल को क्लोज रखा था और वॉल को जब ओपन करेंगे तो वो फ्लो होना चालू होगा, सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फ्लूड विल बी जीरो, सो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा आपका, दैट इज यहाँ पर से लिखते हैं इनर्शिया फोर्स को, रो इंटू वी दैट इज वॉल्यूम इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी वी माइनस इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ये हो गया अपॉन डी टी, ओके दिस इज द टाइम इंटरवेल। सिमिलरली म्यू डी वी डी यू दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, तो ये भी हो जाएगा आपका वी। नाउ डी वाई, डी वाई इज द डिस्टेंस, ओके सो मैं ये है डिस्टेंस अलॉन्ग द फ्लो, सो लेट अस से डिस्टेंस अलॉन्ग फ्लो इज इक्वल टू एल, एल को बोलेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, ठीक है, सो ये हो जाएगा वी बाई एल इंटू एरिया। नाउ इसको आगे लेके जाते हैं, सो रेनॉल्ड नंबर जिसको हम आर ई से रिप्रेजेंट करेंगे, आर ई इक्वल टू जाएगा रो इंटू वी बाई डी टी इंटू, इसको इस तरह से लिखता हूं मैं, जो डी टी है उसको वी बाई डी टी लिख देता हूं, इंटू वी अपॉन म्यू म्यू इंटू वी बाई एल इंटू ए, ओके वी वी कैंसल। नाउ वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, दैट इज वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये जो डिफरेंस ये जो टर्म है दैट इज द डिस्चार्ज, ओके सो दिस इज चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो दिस विल बी द डिस्चार्ज रेट दैट इज क्यू, क्यू इज इक्वल टू ए इन टू वी, हम जानते हैं हम ऐसा होता है करके, अपॉन म्यू ए बाई एल। नाउ इसको लिख लेता हूँ, क्यू इज इक्वल टू ए इन टू वी दैट इज एरिया इन टू वेलोसिटी अपॉन म्यू ए एल, एरिया एरिया कैंसल, आ गया रेनॉल्ड नंबर आपका रो वी एल बाई म्यू, रो वी एल बाई म्यू, वेयर वी इज द मीन वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी, एल इज द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, रो इज द मास डेंसिटी एंड म्यू इज द डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी। सो हमने देखा रेनॉल्ड नंबर इज रो वी एल बाई म्यू, मैंने बोला है कि वी के जगह कई बार आप यू इनफाइनाइट भी लिख सकते हो, ठीक है, यू इनफाइनाइट इज ऑल्सो द वेलोसिटी ऑफ फ्लूड। नाउ हम जानते हैं काइनेमैटिक विस्कोसिटी, काइनेमैटिक, काइनेमैटिक विस्कोसिटी, काइनेमैटिक विस्कोसिटी दैट इज न्यू इज इक्वल टू म्यू बाई रो, ये होता है काइनेमैटिक विस्कोसिटी, सो आर ई को हम काइनेमैटिक विस्कोसिटी के टर्म में लिख सकते हैं वी इंटू एल बाई न्यू, ओके वी इंटू एल बाई न्यू, सो दिस इज द रेनॉल्ड नंबर इन टर्म्स ऑफ काइनेमैटिक विस्कोसिटी। नाउ अब हम देखते हैं कि अगर रेनॉल्ड नंबर स्मॉल होता है, फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ, फॉर स्मॉल वैल्यूज, वैल्यूज ऑफ आर ई दैट इज रेनॉल्ड नंबर, फ्लो को हम लेंगे लेमिनार, वो वैल्यूज क्या होंगी वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन के लिए फ्लैट फ्लो के ऊपर जो फ्लो होगा, पाइप में फ्लो होगा, ओपन चैनल में जो फ्लो होगा, उन सभी में आरई की अलग अलग वैल्यू कंसिडर की जाती है, दैट्स वाई मैं अभी उनकी वैल्यू नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट मैं उनकी वैल्यू बताऊंगा जब हम जब जहां जहां टॉपिक्स आते जाएंगे वहां वहां पर कब वो लेमिनार होगा, कब वो टर्बुलेंट होगा और आरई की किस वैल्यू के लिए ऐसा होगा वो हम वहां पर देखेंगे, ठीक है। सो फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ आरई वी कैन से द फ्लो इज लेमिनार, फॉर कंसिडरेबली हाई वैल्यू, फॉर कंसिडरेबली हाई वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर फ्लो इज टर्बुलेंट, फ्लो इज टर्बुलेंट, ठीक है, फ्लो टर्बुलेंट होता है। अब लेमिनार टू टर्बुलेंट, अगर फ्लो लेमिनार है तो एकदम से टर्बुलेंट में कन्वर्ट नहीं होता है, एक सर्टन पॉइंट अगर इसके बाद पूरी तरह से वो टर्बुलेंट हो जाएगा ऐसा नहीं होता, पहले वो जो लेमिनार से टर्बुलेंट में धीरे धीरे कन्वर्ट होता है, तो ये जो फ्लो होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट फ्लो,
या फिर ट्रांजिशनल फ्लो जिसको बोलते हैं, जिसमें लैमिनार फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो रहा होता है, उस पर्टिकुलर रेंज को बोलते हैं ट्रांजिशनल जोन, ठीक है, या फिर ट्रांजिशनल फ्लो बोलते हैं उसको, जिसमें लैमिनार फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है। सो जो लैमिनार फ्लो की स्टडी है, लैमिनार फ्लो की जो स्टडी है, दैट इज कॉल्ड विस्कस फ्लो, विस्कस फ्लो, ठीक है। सो यही हमारा टॉपिक है जिसको हम अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में और नेक्स्ट अपकमिंग कुछ वीडियोस तक इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब सबसे पहले ये देखते हैं कि लैमिनार फ्लो को ही विस्कस फ्लो क्यों बोलते हैं, हम टर्बुलेंट फ्लो को विस्कस फ्लो क्यों नहीं बोलते, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो लैमिनार फ्लो होता है, लैमिनार फ्लो, ठीक, लैमिनार फ्लो में जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इज कंसिडरेबली स्मॉल, ठीक है, स्मॉल वेलोसिटीज के लिए होता है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होगी अगर फ्लूड की तो डेफिनेटली वो टर्बुलेंट हो जाएगा और उसको हमको चेक करना पड़ेगा थ्रू रेनॉल्ड नंबर, ओके। तो ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो वो टर्बुलेंट हो जाएगा, सो लैमिनार फ्लो इज फॉर स्मॉल वेलोसिटीज, ठीक। अब आरई की वैल्यू भी यहाँ पर स्मॉल होगी, रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू है इज स्मॉल। अब देखो क्या होता है, रेनॉल्ड नंबर का अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ, सो दैट इज रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, अपॉन विस्कस फोर्स। सो यहाँ से दिख रहा है कि अगर आरई स्मॉल है ना, तो विस्कस फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ आरई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कस फोर्स, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कस फोर्स, ये मैं देख सकता हूँ यहाँ से डायरेक्टली। सो अगर विस्कस फोर्स ज़्यादा होगा तो रेनॉल्ड नंबर कम होगा, और क्योंकि यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लैमिनार फ्लो के लिए जो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू होती है दैट इज स्मॉल, तो उसका सीधा मतलब ये निकलता है कि विस्कस फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि विस्कस फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेनॉल्ड नंबर, विस्कस फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड नंबर अगर छोटा होगा तो विस्कस फोर्स ज़्यादा होगा। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में ऐसा नहीं होता, टर्बुलेंट फ्लो में रेनॉल्ड नंबर ज़्यादा होता है, टर्बुलेंट फ्लो में रेनॉल्ड नंबर ज़्यादा होगा तो टर्बुलेंट फ्लो में विस्कस फोर्स कम होगा, तो जो विस्कोसिटी का इफेक्ट है इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो वो कम होता है एज कम्पेयर टू लैमिनार फ्लो, लैमिनार फ्लो में विस्कोसिटी डोमिनेट करती है फ्लो को, सो दैट्स वाई फॉर दिस सिंगल रीजन जो आपका लैमिनार फ्लो है दैट इज नोन एज विस्कस फ्लो। सो अब हम देखेंगे विस्कस फ्लो इन पाइप, मैंने जैसे कि बताया विस्कस फ्लो दैट इज लैमिनार फ्लो, ओके, लैमिनार फ्लो। सो लैमिनार फ्लो इन पाइप और विस्कस फ्लो इन पाइप हम स्टडी करने वाले हैं। इसको स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक एजम्पशंस लेंगे जिसको ये फॉलो करेगा। सो एजम्पशंस है हमारे पास, सबसे पहले फ्लो इज स्टडी, फ्लो इज स्टडी यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है दैट इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि यहाँ पर जो लोकल एक्सेलरेशन है वो जीरो है, ठीक है, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सिमिलरली फ्लो इज एक्सिसिमेट्रिक, अब जैसे कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पर विस्कस फ्लो इन पाइप, तो मैंने बताया था कार्टिशन कोऑर्डिनेट में हम जब बात करते हैं तो वहाँ पर एक्स वाई जेड कंपोनेंट आते हैं, यू वी डब्ल्यू, ठीक है, ये सारे रेक्टेंगुलर बॉडीज के लिए वैलिड होता है। साथ ही साथ जब पाइप की बात आती है तो पाइप के केसेस में हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, तो जब मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट लूँगा तो उस केस में हमारे पास तीन कंपोनेंट होते हैं वेलोसिटी के, दैट इज यू जेड, यू आर एंड यू थीटा, यू जेड दैट इज द एक्सियल कंपोनेंट, यू आर इज रेडियल कंपोनेंट, यू थीटा इज सर्कमफेरेंशियल कंपोनेंट, ठीक है। और जब फ्लो एक्सिसिमेट्रिक होता है, मैंने ये भी बताया कि एक्सिसिमेट्रिक फ्लो क्या होता है, एक्सिसिमेट्रिक फ्लो ऐसे फ्लो को बोलते हैं जिसमें सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है दैट इज कांस्टेंट, ठीक है, जो यू थीटा है, इफ यू थीटा दैट इज सर्कमफेरेंशियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट फॉर एक्सिसिमेट्रिक फ्लो, ओके। सो एक्सिसिमेट्रिक फ्लो की बात करूं मैं तो डेल यू बाई डेल यू थीटा बाई डेल थीटा विल बी जीरो, ठीक है, सो इसका मतलब होता है एक्सिसिमेट्रिक फ्लो। फिर उसके बाद बोल रहे हैं फुल्ली डेवलप फ्लो, ये नया टर्म है भाई, फुल्ली डेवलप फ्लो क्या होता है और फ्लो इज फुल्ली डेवलप्ड इसका मतलब क्या आता है इसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको समझने के लिए मैं एक पाइप कंसिडर करता हूँ, ठीक है, पाइप में जब फ्लो होगा, ठीक है, सो विस्कस फ्लो है यहाँ पर, तो पाइप का जो वॉल है उससे फ्लूड के पार्टिकल्स चिपकेंगे, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम नो स्लिप कंडीशन, नो स्लिप कंडीशन यहाँ पर आएगी। नो स्लिप कंडीशन में क्या होगा, जो फ्लूड के पार्टिकल्स हैं उसका जो वेरी फर्स्ट लेयर होगा, ठीक है, वो यहाँ पर इस वॉल से
चिपक जाएगा, एडहर हो जाएगा, तो वहां पर वेलोसिटी यू विल बिकम जीरो। ठीक है, तो इस टेंडेंसी के कारण बाउंड्री लेयर फॉर्म होगा। बाउंड्री लेयर मैंने ब्रीफ में लास्ट लेक्चर्स में बताया है। ठीक है, बाउंड्री लेयर में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर ये फ्लूड पार्टिकल इसमें चिपक गया, ठीक, तो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के कारण, जिसको वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं, ये अपने नेक्स्ट मॉलिक्यूल को भी अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे जैसे हम वॉल से दूर जाएंगे, वैसे वैसे हमको जो फ्लूड की वेलोसिटी है वो बढ़ती नजर आएगी। ठीक है, अभी कैसे बढ़ेगी इसको समझते हैं। लेट अस से जो फ्लूड आ रहा था, ठीक है, बिफोर इंटरिंग द पाइप, उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी वॉज यू इनफाइनाइट। यू इनफाइनाइट वॉज द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस वेलोसिटी से फ्लूड आ रहा था बिफोर इंटरिंग द पाइप। ओके, पाइप को इंटर करने से पहले उसकी वेलोसिटी यू इनफाइनाइट थी। नाउ जब वो इंटर करता है तो उसका जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, वाटर का, वो वॉल से चिपक गया, उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जाएंगे, ये सेंट्रल एक्सिस जो सेंटर की तरफ जैसे जैसे जाएंगे, वैसे वैसे देखेंगे कि ये जो अट्रैक्शन फोर्स है वॉल का वो कम होते जा रहा है और वेलोसिटी दैट इज यू विल बी टेंडिंग टुवर्ड्स यू इनफाइनाइट। तो एक ऐसा रेंज आएगा, एक ऐसे पॉइंट मिलेंगे हमको जिस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी दैट इज यू, दैट विल बी 99% ऑफ यू इनफाइनाइट। मतलब हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके होंगे यू इनफाइनाइट के पास, है ना। तो ऐसे पॉइंट का जो लोकस होता है दैट इज नोन एज बाउंड्री लेयर, दैट इज नोन एज बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर के अंदर जो फ्लो होता है वो विस्कस होता है, हमेशा विस्कस इन नेचर होता है, क्योंकि यहाँ पर हमको रिलेटिव मोशन मिल रहा है। ठीक है, रिलेटिव मोशन मिल रहा है बाउंड्री लेयर के अंदर। हमारा जो डी यू बाई डी वाई, जिसको रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन बोलते हैं या फिर हम वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, वो एग्जिस्ट करता है। वेलोसिटी, ये जो आपका बाउंड्री लेयर है, बाउंड्री लेयर के बाहर जो वेलोसिटी होती है दैट इज यूनिफॉर्म। बाउंड्री लेयर के बाहर जो वेलोसिटी है दैट इज यूनिफॉर्म। तो वहां पर जो फ्लो होगा दैट इज आइडियल फ्लूड फ्लो। ठीक है, यहां पर हम लोग ये चीज समझ आ गई। अब जैसे जैसे ये फ्लो आगे बढ़ता है, वैसे वैसे ये जो बाउंड्री लेयर है वो आगे बढ़ते जाते हैं और आपस में एक पॉइंट आता है जहां पर ये जो बाउंड्री लेयर्स हैं वो कन्वर्ज हो जाती हैं। ठीक है, ये दोनों जो बाउंड्री लेयर जहां से स्टार्ट हुई वहां पर ये कन्वर्ज हो जाती है। इस लेंथ को बोलते हैं इंट्रेंस लेंथ, इंट्रेंस लेंथ। अब इसको ठीक से इमेजिन करते हैं, जैसे कि पाइप में अगर फ्लो हो रहा होगा, सपोज दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, पाइप में अगर फ्लो हो रहा है तो हम देखेंगे कि इस सिचुएशन में जो फ्लूड का, जो फ्लूड का मोशन होगा वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के टर्म में होगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, जो फ्लूड के सारे लेयर्स होंगे वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के जैसे होंगे। ठीक है, अब फ्लूड का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जो इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल में सबसे आउटर मोस्ट कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, वो तो वॉल से स्टिक हो गया। जो सेंटर के पास जो आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, क्लोज टू द सेंटर, ठीक है, उसकी वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। अब जैसे जैसे हम पाइप में एक्सियल डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगे, वैसे वैसे जो ये थिकनेस है बाउंड्री लेयर की वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और एक पॉइंट आएगा जहां पर ये जो बाउंड्री लेयर है वो आपस में मीट करेंगी। ठीक है, और उस पॉइंट के बाद, उस पॉइंट के बाद कोई बाउंड्री लेयर नहीं होगी। अभी हमने इस पॉइंट के पहले, लेट अस से दैट इज पॉइंट एम, ये पॉइंट एम की बात किया मैंने, तो पॉइंट एम के पहले मैं देख रहा हूं कि यहां तक वेलोसिटी प्रोफाइल है और उसके बाद से यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, तो यहां पर मुझे देखने को मिल रहा है कि वेलोसिटी प्रोफाइल चेंज हो रही है। तो एक डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, ठीक, वेलोसिटी प्रोफाइल में कोई चेंज नहीं होगा आफ्टर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। ऐसा नहीं कि इमीडिएटली एम पॉइंट के बाद पूरा फ्लो ऐसा हो जाएगा, नहीं, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक, सो एक पॉइंट आता है फ्लो में जिसके बाद जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो स्टेबल हो जाती है। मतलब अब वेलोसिटी प्रोफाइल इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो चेंज नहीं होगी। तो जब ये कंडीशन आ जाती है दैट वेलोसिटी प्रोफाइल डज नॉट चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, वेलोसिटी प्रोफाइल व्हेन नॉट चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, सच अ फ्लो इज कॉल्ड फुल्ली डेवलप फ्लो। सो फुल्ली डेवलप फ्लो किसको बोलेंगे? फुल्ली डेवलप फ्लो ऐसे फ्लो को बोलेंगे व्हेन velocity profile does not changes along the direction of flow। इसको बोलते हैं हम fully developed flow, that is called fully developed flow। ओके, सो आई होप आपको फुल्ली डेवलप फ्लो भी अब अच्छे से समझ आ गया। तो ये है हमारे एजम्पशंस। अब जो इन एजम्पशंस के बेसिस पे, ठीक है, जो हम इक्वेशन डिराइव करेंगे दैट विल गिव अ एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ नेवियर स्टोक इक्वेशन। नेवियर स्टोक इक्वेशन क्या होता है?
नेवर स्टोक इक्वेशन बनता है, अगर एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, एफ एक्स एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो एफ एक्स विल बी द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द एक्स डायरेक्शन। ठीक है, सो ये अगर इसके ये जो एफ एक्स होता है ये पांच फोर्सेस पर डिपेंड करता है, दैट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक, फोर्स ड्यू टू प्रेशर, फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी, फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस एंड फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सिर्फ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू प्रेशर एंड फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी, इन तीन फोर्सेस को कंसिडर करें, दैट इज प्रेशर फोर्स इन एक्स डायरेक्शन एफ एक्स पी, ग्रेविटी फोर्स इन एक्स डायरेक्शन दैट इज एफ एक्स जी, एंड विस्कस फोर्स इन एक्स डायरेक्शन दैट इज एफ एक्स जी। अगर इन तीन फोर्सेस को कंसिडर करके मैं सोल्यूशन बनाऊँ किसी भी पर्टिकुलर केस का, तो जो इक्वेशन मुझे मिलेगा दैट विल बी नोन एज नेवियर स्टोक इक्वेशन, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, ये मुझे मिलेगा। ठीक है, अब नेवियर स्टोक इक्वेशन में मान लो ऐसा हो कि ग्रेविटी फोर्स को हम नेग्लेक्ट कर दें, ग्रेविटी फोर्स को हम कंसिडर ना करें, ठीक है, दैट इज ये एफ जी आइटम यहाँ से हटा दें। जैसे कि पाइप, अगर आपकी पाइप का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, सो इन और जो फ्लो हो रहा है फ्लो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा हो, तो इन मोस्टली ऐसा ही होता है, सो इन दैट केस हम ग्रेविटी फोर्स जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, सो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो ग्रेविटी अगर किसी हॉरिजॉन्टल पाइप की बात करूं मैं, हॉरिजॉन्टल पाइप में अगर फ्लो हो रहा होगा, सो रिजल्टेंट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, रिजल्टेंट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, लेकिन ग्रेविटी फोर्स जो है दैट इज इन वर्टिकल डायरेक्शन, सो हम उसको डिसरिगार्ड कर सकते हैं। सो ऐसा इक्वेशन जिसमें मैं ग्रेविटी फोर्स को डिसरिगार्ड करूंगा वो बनेगा आपका हैगन पॉइसियन इक्वेशन, सो दैट विल बी हाइगन पॉइसियन इक्वेशन। ठीक है, सो हाइगन पॉइसियन इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम इस एक पाइप कंसिडर करते हैं। ठीक है, इस पाइप में जो फ्लूड फ्लो हो रहा है उसकी मास डेंसिटी रो है, दैट इज रो इज द मास डेंसिटी ऑफ फ्लूड, मास डेंसिटी ऑफ फ्लूड, ओके, फ्लो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो हो रहा है फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि फ्लो स्टडी है सो देयर विल बी नो एक्सेलरेशन, देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। ठीक, सो मैंने इस फ्लो में एक एलिमेंट कंसीडर किया, एलिमेंट जो है दैट इज अ सिलेंड्रिकल एलिमेंट, लेट अस कंसीडर अ सिलेंड्रिकल एलिमेंट, एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट मैंने कंसीडर किया, इस एलिमेंट का जो रेडियस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द पाइप दैट इज स्मॉल आर, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन, तो डी एक्स जो है, डी एक्स इज द लेंथ ऑफ एलिमेंट, ओके, ए जो है दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ आपका एलिमेंट है। ठीक, अब ये इस डायरेक्शन में फ्लो रहा है तो इस तरफ जो प्रेशर है दैट इज पी, पी इज द प्रेशर एक्टिंग ऑन द एलिमेंट। अब एक्स डायरेक्शन में ये मूव किया, हम एक्स डायरेक्शन में जब आगे बढ़े फ्रॉम अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो हम जानते हैं कि प्रेशर को कैसे लिखना है, प्रेशर लिखेंगे हम टेलर्स एक्सपांशन से, दैट इज पी प्लस डेल पी बाई डेल एक्स इन टू डी एक्स, ये होगा इस साइड पे प्रेशर, लेट अस से ये साइड ए है ये साइड बी है, तो साइड ए पे जो प्रेशर है दैट इज पी, तो साइड बी पे दैट इज आफ्टर ट्रेवलिंग अ स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स प्रेशर हो जाएगा पी प्लस डेल पी बाई डेल एक्स इन टू डी एक्स। ठीक, अब प्रेशर फोर्स आएगा आपका प्रेशर इन टू एरिया दैट इज पी इन टू ए, सिमिलरली बी साइड में हो जाएगा पी प्लस डेल पी बाई डेल एक्स इन टू डी एक्स इन टू ए, इसमें एरिया का मल्टीप्लाई कर दिया मुझे प्रेशर फोर्स मिल गया। नेक्स्ट, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो फ्लो के अगेंस्ट आएगा विस्कस फोर्स, और विस्कस फोर्स लगता है सरफेस पे, ठीक है, सरफेस पे लगता है, तो ये जो एलिमेंट का सरफेस है इस पे विस्कस फोर्स लगेगा, विस्कस फोर्स होगा आपका शियर स्ट्रेस इंटू एरिया, तो शियर स्ट्रेस इंटू एरिया ऑफ सरफेस। अब ये सिलेंडर है, सिलेंडर का सरफेस होता है 2πRL, है ना, 2πRL, वेयर एल इज द लेंथ, सो शियर स्ट्रेस टाऊ, शियर स्ट्रेस टाउ है अगर, तो दैट इज टाउ इज द शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द एलिमेंट, शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द एलिमेंट, सो शियर यहां पर आपका विस्कस फोर्स आ जाएगा टाउ इंटू एरिया दैट इज 2πR इंटू लेंथ दैट इज dx, इस तो इसके पूरे सरफेस पे इतना विस्कस फोर्स लग रहा होगा।
तो चलिए अब देखते हैं डेरिवेशन इसके। सो अब देखते हैं हम शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम जो समेशन ऑफ नेट फोर्सेस हैं वो देखेंगे। अब हम जान रहे हैं कि जो हमारा फ्लो है दैट इज अ स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो के लिए एक्सेलरेशन दैट इज लोकल एक्सेलरेशन वो जीरो होता है। अब न्यूटन सेकेंड लॉ से हम जानते हैं फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए। जो न्यूटन सेकंड लॉ है उसमें ए दैट इज एक्सेलरेशन होता है डीवी बाय डीटी। डीवी बाय डीटी को हम बोलते हैं लोकल एक्सेलरेशन, और एज हमारा फ्लो स्टडी फ्लो है सो लोकल एक्सेलरेशन जो होगा उसका जीरो होगा। सो न्यूटन सेकंड लॉ से हमको पता चलता है कि रिजल्टेंट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूड विल बी इक्वल टू जीरो। सो हमारा जो फ्लो हो रहा है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, नाउ तो हम क्या करते हैं, जो हमारा गिवन कंडीशन है उनमें जो फोर्सेस है उसको समेशन करके उसको जीरो को इक्वेट कर देंगे। इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमको शेयर स्ट्रेस के लिए एक इक्वेशन मिलेगा, दैट विल बी नोन एज शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो करते हैं, तो आ जाएगा पी इंटू ए, ये पॉजिटिव होगा, ये अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ फ्लो है तो ये निगेटिव, सो माइनस पी प्लस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स इंटू ए माइनस टाउ इंटू टू पाई आर इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू जीरो। ब्रैकेट ओपन करते हो जाएगा पी इंटू ए माइनस पी इंटू ए माइनस डेल पी बाई डेल एक्स डी एक्स इंटू ए माइनस टाउ इंटू टू पाई आर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। पी ए पी एक दूसरे से कैंसिल हो गया, यहाँ से लिख सकता हूँ डेल पी बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स इंटू ए। एरिया एरिया हमने देखा है ये सिलेंडर है, उसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर, इसका जो एरिया हमने देखा था दैट वाज पाई आर स्क्वायर। ओके, सो ये हो जाएगा एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू टाउ इंटू टू पाई आर इंटू डी एक्स। डी एक्स डी एक्स कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, आर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से टाउ आ रहा है माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर डिवाइडेड बाई टू। सो दिस इज द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब यहां पर हमको ध्यान देना है ये डेल पी बाई डेल एक्स, जो डेल पी बाई डेल एक्स है ये बताता है आपका प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट, अब ये प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है देखते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट यानी कि चेंज ऑफ प्रेशर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूड, ठीक है। सो एक्स डायरेक्शन में जो प्रेशर चेंज हो रहा है एक किसी यूनिट लेंथ को कवर करने पे जो प्रेशर में चेंज होगा दैट विल बी नोन एज प्रेशर ग्रेडियंट। सो यहाँ पर डेल पी बाई डेल एक्स जो है प्रेशर ग्रेडियंट, अगर वो कॉन्स्टेंट नहीं होगा तो फ्लो में डेफिनेटली एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। अगर प्रेशर ग्रेडियंट कॉन्स्टेंट नहीं होगा तो अलग अलग पॉइंट्स पे वेलोसिटी ऑफ फ्लूड है वो चेंज होते जाएगी, ठीक है। तो उससे ये होगा कि जो फ्लो है उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा, और हमने जैसे कि लिया है कि फ्लो स्टडी है, सो फॉर अ स्टडी फ्लो, फॉर अ स्टडी फ्लो, फॉर अ स्टडी फ्लो, ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है यहाँ से। फॉर स्टडी फ्लो हमको हमेशा याद रखना है कि प्रेशर ग्रेडियंट यानी कि डेल पी बाई डेल एक्स इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, इट इज नॉट जीरो। अगर जीरो होगा तो फ्लूड तो फ्लो होगा ही नहीं, तो ये जीरो नहीं होगा, ये कॉन्स्टेंट होगा, तो हमको ये याद रखना है। सो डेल पी बाई डेल एक्स इज कॉन्स्टेंट। नाउ हमको शेयर स्ट्रेस मिल गया, टाउ इज इक्वल टू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर बाई टू। यहाँ से हम देख सकते हैं इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करने से दैट टाउ इज फंक्शन ऑफ आर, है ना, टाउ इज फंक्शन ऑफ आर, रेडियस का फंक्शन है, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। अब आर मेजर कैसे किए हैं, हमने देखा था जब हमने एजम्पशंस किए थे उस समय, तो ये आपके जो पाइप है उसका एक्सिस है, पाइप का एक्सिस से हमने आर रेडियस का एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट कंसिडर किया था, यानी कि एट द एक्सिस ऑफ सिलेंडर आर इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। नाउ अगर इस पाइप का आउटर रेडियस, पाइप का जो रेडियस है दैट इज कैपिटल आर, ठीक है, आर इज द रेडियस ऑफ पाइप, रेडियस ऑफ पाइप हो अगर, ठीक है, तो अब देखते हैं एट आर इक्वल टू जीरो दैट इज द एक्सिस ऑफ पाइप, एक्सिस ऑफ पाइप पे इस इक्वेशन से टाउ भी आ रहा है आपका जीरो, टाउ जीरो आ रहा है। सिमिलरली एट आर इक्वल टू कैपिटल आर यानी कि पाइप के सरफेस पर सॉलिड बाउंड्री के पास टाउ आ जाएगा आपका माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर बाई टू, ठीक है। सो दिस इज टाउ मैक्स, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू ये आ रही है, क्योंकि जो टाउ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, टाउ इज फंक्शन ऑफ आर, तो आर जब मैक्सिमम होगा तो टाउ भी मैक्सिमम होगा। सो यहां से लिख सकते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज एट द
द पाइप वॉल। ये एक यहाँ से एक हमको कॉन्सेप्ट मिलता है जिससे हमका हमारा क्वेश्चन उठ सकता है आईएएस वगैरह में, ठीक है। तो याद रखना है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द पाइप इज एट द पाइप सरफेस, इज एट द पाइप सरफेस, ठीक है। ठीक, ये हमको याद रखना है। अब इस इक्वेशन को मैं ऑब्जर्व करता हूं तो इस देख रहा हूं इस इक्वेशन की जो डिग्री है दैट इज वन, इसका जो ये फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन है, आर की जो पावर है दैट इज वन। तो ये जो इक्वेशन है दैट इज अ लीनियर इक्वेशन, ओके, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है, ठीक। तो यहां से पता चलता है कि शेयर्ड स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जब मैं प्लॉट करूंगा पाइप के लिए तो वो कुछ इस तरह का होगा, जैसे कि हमने निकाला सेंटर पे दैट इज एक्सिस ऑफ फ्लो पे टाउ जीरो था, और सरफेस पे जो सॉलिड बाउंड्री है पाइप की जो सरफेस है उस पे ये मैक्सिमम था। सो दिस इज द रेडियल डायरेक्शन, तो मैं आर और टाउ के बीच में रिलेशनशिप प्लॉट करता हूँ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टाउ, ठीक है। ये एक्सिस बना दिया मैंने आर वर्सेस टाउ का। सो रेडियस एट आर इक्वल टू जीरो एंड दिस इज आर इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है। तो यहाँ पर टाउ की वैल्यू जीरो है और यहाँ पर टाउ की वैल्यू मैक्सिमम है, दिस इज टाउ मैक्स, दिस इज टाउ मिनिमम। तो कुछ इस तरीके का मुझे शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है। सो दिस इज द शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ पाइप। सो अब हम देखते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने डिराइव किया शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन टाउ इज इक्वल टू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर बाई टू, ये हमने डिराइव किया। सो ये था आपका शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। जो प्रोसीजर है वो बहुत ही स्टेप वाइज है। सबसे पहले जब हमने शेयर स्ट्रेस निकाला था तो शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए हमने समेशन ऑफ फोर्सेस किए, समेशन ऑफ फोर्सेस से हमको शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया। अब शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन से हम निकालेंगे वेलोसिटी प्रोफाइल, कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का रिलेशनशिप हमारे पास है, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर वन, ठीक है, इक्वेशन नंबर वन है ये। अब हम जानते हैं फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, जो डी यू बाई डी वाई है दैट इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, या वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं इसको। अब यहां पर जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है दैट इज डी यू बाई डी वाई, इसमें जो y है, y कभी भी मेजर किया जाता है, y इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम सॉलिड सरफेस या सॉलिड बाउंड्री, ठीक है, सॉलिड बाउंड्री से इसको मेजर किया जाता है। अब हमने जो आर हमारा मेजर किया है, इस एलिमेंट का जो रेडियस हमने लिया था दैट इज फ्रॉम एक्सिस, ठीक है, स्मॉल आर जो हमने लिया था वो हमने एक्सिस से लिया था। अब जो एलिमेंट का जो सरफेस है, एलिमेंट का जो ये सरफेस है, इस सरफेस की डिस्टेंस हम लोग लेंगे सॉलिड बाउंड्री से, तो सॉलिड बाउंड्री से इसकी डिस्टेंस हमने एज्यूम करी वाई। अब जानते हैं कि एक्सिस से जो सॉलिड बाउंड्री है उसका डिस्टेंस आर दैट इज द रेडियस ऑफ पाइप, तो वाई की वैल्यू यहां से आ जाएगी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, वाई विल बी इक्वल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। नाउ मुझे डी वाई चाहिए, डी वाई विल बी इक्वल टू, देखिए दैट इज चेंज इन वाई, ठीक है, चेंज इन वाई डायरेक्शन। अब जो आर है दैट इज कॉन्स्टेंट, सो उसमें आने वाला चेंज हो जाएगा जीरो, सो ये आ जाएगा डी वाई विल बी इक्वल टू माइनस डी आर, ये आ गया। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ न्यूटन्स लॉ को, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन माइनस डी आर, दैट इज माइनस म्यू डी यू बाई डी आर, दैट विल बी दी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर टू। फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूँ तो यह आ जाएगा माइनस डेल पी वाई डेल एक्स इंटू आर बाई टू इज इक्वल टू माइनस म्यू डी यू बाई डी आर, ये आ गया आपका शेयर स्ट्रेस का। दोनों को इक्वेट करने पे हमको ये इक्वेशन मिल गया। नाउ सॉल्व करते हैं इसको, ठीक, सो माइनस माइनस प्लस हो गया। नाउ इस आर को इधर ट्रांसफर करके इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं, सो इंटीग्रेटिंग, सो हो जाएगा डी यू, इंटीग्रेशन ऑफ डी यू विल बी इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर बाई टू डिवाइडेड बाई म्यू इंटू डी आर, ये आ गया। सो इसका इंटीग्रेशन हो गया u इज इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट है, डेल पी बाई डेल एक्स कॉन्स्टेंट है, टू कॉन्स्टेंट है, म्यू भी कॉन्स्टेंट है, तो वन अपॉन टू म्यू डेल पी बाई डेल एक्स कॉन्स्टेंट, इसको बाहर निकाल लिए, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आर डी एक्स आर डी आर, सो यहाँ से मिल जाएगा वन अपॉन टू म्यू डेल पी बाई डेल एक्स आर स्क्वायर बाई
टू प्लस सी वन, ये आ गया आपका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नाउ सी वन इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। सो सी वन दैट इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसके लिए हमको बाउंड्री कंडीशन चाहिए, ठीक है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारा जो ये पाइप है ये फॉलो कर रहा है नो स्लिप कंडीशन, नो स्लिप कंडीशन फॉलो कर रहा है तो सॉलिड बाउंड्री पे जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड होगी दैट विल बी जीरो। सो यू इक्वल टू जीरो एट आर इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है। सो एट आर इक्वल टू कैपिटल आर यू इक्वल टू आ रहा है आपका जीरो। सो लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। सो इक्वेशन नंबर थ्री में वैल्यूज पुट करता हूँ, सो जाएगा जीरो इक्वल टू वन बाई टू म्यू डेल पी बाई डेल एक्स आर स्क्वायर बाई टू प्लस, सॉरी कैपिटल आर स्क्वायर बाई टू प्लस सी वन। यहाँ से सी वन आ जा रहा है आपका वन बाई फोर म्यू डेल पी माइनस वन बाई फोर म्यू डेल पी बाई डेल एक्स आर स्क्वायर बाई टू, सॉरी आर स्क्वायर, ये आ गया आपका C1 की वैल्यू। C1 आ रहा है माइनस वन अपॉन फोर फोर म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर थ्री में पुट कर देते हैं तो आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन थ्री यू विल बी इक्वल टू वन अपॉन फोर म्यू डेल पी बाई डेल एक्स, ओके, आर स्क्वायर माइनस वन बाई फोर म्यू डेल पी बाई डेल एक्स कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ से इसको मैं रीअरेंज करता हूँ इक्वेशन को, तो लिख सकता हूँ इसको माइनस वन अपॉन फोर म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। सो दिस इज द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो हमारे पास जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वेशन आ रहा है दैट इज u इक्वल टू माइनस वन अपॉन फोर म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि u इज फंक्शन ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है। कैपिटल r तो कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर एक ही वेरिएबल है दैट इज स्मॉल r। सो u जो है वो आर स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। तो अब हम जो है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करके देखते हैं इस पर्टिकुलर पाइप फ्लो के लिए। तो एट r इक्वल टू जीरो, एट r इक्वल टू जीरो u आ रहा है, वेलोसिटी आ रही है माइनस वन अपॉन फोर म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। सिमिलरली एट r इक्वल टू कैपिटल r यानी कि पाइप वॉल पे u आ रहा है आपका, यहाँ r की जगह कैपिटल r पुट करेंगे तो हो जाएगा जीरो, ठीक है। सो जो मैक्सिमम वेलोसिटी है दैट इज एट r इक्वल टू जीरो, सो दिस इज U max, है ना। सो मैक्सिमम यहां से लिख सकता हूं मैं मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लूड इज ऑब्टेंड एट द एक्सिस ऑफ पाइप पे या फिर पाइप के सेंटर पे जो फ्लूड की वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, यहां से पता चल गया। और क्योंकि जो u है दैट इज फंक्शन ऑफ r स्क्वायर, तो जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होगा, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वो पैराबोलिक होगा। सो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज ए पैराबोलिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको प्लॉट करते हैं हम लोग। सो किसी पाइप ऑफ रेडियस कैपिटल r के लिए हमको वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, दिस इज रेडियल डायरेक्शन, दिस इज v, तो v और r एक्सिस के v वर्सेस r एक्सिस के रिस्पेक्ट में मैं प्लॉट करता हूँ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल। सो दिस इज द वेलोसिटी प्रोफाइल विच इज पैराबोलिक इन नेचर, ठीक है। तो ये याद रखना है, जो शेयर स्ट्रेस था वो लीनियर था, तो शेयर स्ट्रेस प्रोफाइल बनाऊँ मैं दैट इज tau वर्सेस r जो मैंने बनाया था उसको एक बार जनरेट करता हूँ, तो वो था कुछ ऐसा दैट वॉज लीनियर। सेंटर पे जो शेयर स्ट्रेस होता है वो जीरो होता है और सरफेस पे मैक्सिमम होता है, ठीक है। एक्सिस पे या कह लूँ पाइप के सेंटर पे शेयर स्ट्रेस जीरो होता है और सरफेस ऑफ पाइप पे मैक्सिमम होता है, लेकिन उसके उल्टा वो आपका जो वेलोसिटी है वो सरफेस ऑफ पाइप पे मिनिमम यानी कि जीरो होता है, वी इक्वल टू जीरो होता है, और जो आपका सेंटर ऑफ पाइप है उस पे जो वेलोसिटी होती है यू दैट इज मैक्सिमम होता है,
ठीक है, एक्सिस पे मैक्सिमम और सरफेस पे जीरो, दिस इज द वेलोसिटी प्रोफाइल। तो हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू अब आ चुकी है, दैट इज यू मैक्स इज इक्वल टू -1/4 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स इनटू आर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का है यूज जनरली हम हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करते हैं, ठीक है। सो एवरेज वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पर ये आएगी कैसे? तो ये इसके लिए सिंपल फंडा है, जो हम जानते हैं डिस्चार्ज क्यू, दैट इज डिस्चार्ज इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ फ्लो, एरिया फ्लो दैट इज ए, या बोल सकते हैं एरिया ऑफ पाइप इन टू एवरेज वेलोसिटी। तो हमको ये याद रखना है कि जो हम डिस्चार्ज का फॉर्मूला यूज करते हैं क्यू का, क्यू इज इक्वल टू ए इन टू वी जिसको बोलते हैं हम, क्यू इज इक्वल टू ए इन टू वी, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज फॉर्मूला है। इसमें याद रखना है जो ये वेलोसिटी है दैट इज एवरेज वेलोसिटी, दैट इज नॉट द मैक्सिमम वेलोसिटी। सो हमको एवरेज वेलोसिटी की जरूरत पड़ने वाली, तो हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। अब एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए सिंपल भाई, जो अगर वी आपकी एवरेज वेलोसिटी है, सो दैट विल बी इक्वल टू क्यू बाई ए, क्यू बाई ए, ठीक है। सो अगर मैं क्यू निकाल लेता हूँ, एरिया तो मुझे पता है, तो मैं यहाँ पर से एवरेज वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं इसका डेरिवेशन। सो अब देखते हैं हम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी। हमने जैसा कि मैंने आपको बताया कि एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम जो डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लो इनटू एवरेज वेलोसिटी है, ये रिलेशन यूज करेंगे, ठीक है। अब यहां से जो एवरेज वेलोसिटी होगी दैट विल बी डिस्चार्ज अपॉन द एरिया ऑफ फ्लो। सो सबसे पहले डिस्चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्रॉस सेक्शन व्यू लिया हुआ है, दैट इज साइड व्यू लिया हुआ है पाइप का। मैंने पाइप में एक यहां पर आर डिस्टेंस पे एलिमेंट्री रिंग कंसिडर करी है। इस रिंग की जो रेडियस है दैट इज स्मॉल आर, और जो उसकी थिकनेस है दैट इज रेडियल थिकनेस दैट इज डी आर। सो यहाँ पर जो एरिया का, जो इसका एरिया हो जाएगा एलिमेंटल रिंग का, दैट विल बी 2πr इंटू डी आर, ठीक है। दिस विल बी दी एरिया। सो इस एलिमेंटल रिंग से कितना फ्लो हो रहा है वो मैं सबसे निकालता हूँ, दैट इज डी क्यू। सो दिस इज डिस्चार्ज थ्रू द एलिमेंट, डिस्चार्ज थ्रू द एलिमेंट, ओके ये निकल जाएगा। सो दैट विल बी 2πr dr इनटू वेलोसिटी। तो इस r डिस्टेंस पे जो वेलोसिटी है यहां पर दैट इज u, ओके u का हम लोग इक्वेशन जानते हैं, ठीक। तो अब अगर इस इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा फॉर द होल क्रॉस सेक्शन, तो मुझे मिल जाएगा मेरा डिस्चार्ज का वैल्यू। सो इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 टू q, और क्रॉस सेक्शन जो r है दैट इज वेरिएबल, उसकी वैल्यू की 0 टू कैपिटल r। सो इस लिमिट्स के बीच में इस इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट करूंगा, तब मुझे मिलेगा डिस्चार्ज दैट इज q इज इक्वल टू -8π अपॉन 8 म्यू इंटू डेल पी बाय डेल एक्स इंटू आर एस टू पावर 4। ये मुझे मिल गया डिस्चार्ज फॉर दी पाइप, ओके। नाउ मैं जानता हूं कि एरिया ऑफ होगा यहां पर आपका एरिया ऑफ फ्लो दैट इज a, क्योंकि पाइप का रेडियस कैपिटल R है, सो दैट विल बी पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर। नाउ Q बाई A विल बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को मैं U बार से शो करूंगा, इसको V मीन भी लिख सकते हैं, जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं, बस आपको जो फॉर्मूला है वो करेक्ट अप्लाई करना है, ठीक है। सो U बार हो जाएगा आपका Q बाई A, Q की वैल्यू है -π/8 म्यू इंटू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर एस टू पावर 4 अपॉन A की वैल्यू पाई आर एस टू आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर आर एस टू पावर 4 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल हो गया। सो यहां से आपका एवरेज वेलोसिटी, एवरेज और बोल सकते हैं मीन वेलोसिटी, यहां से आ रही है यू मीन इक्वल टू -1/8 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर। सो दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लूड इन द पाइप। सो अब हमारे पास जो मैक्सिमम वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी है दोनों की वैल्यूज हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी यू मैक्स इज इक्वल टू होता है -1/4 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स इनटू आर स्क्वायर, एंड मीन वेलोसिटी दैट इज यू बार इज इक्वल टू -1/8 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स इनटू आर स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मुझे मिल जाएगा यू मैक्स यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो। क्वेश्चन में पूछता है डायरेक्टली, गेट में क्वेश्चन आता है यहां पर कि मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा फॉर अ पाइप फ्लो, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन होगा हमेशा याद रखना, और इसकी वैल्यू होगी 2। दोनों क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 2, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी की 2 गुनी होती है, ये हमको याद रखना है, ठीक है। नाउ हमने देखा एवरेज वेलोसिटी यू बार इज इक्वल टू -1/8 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। सो यहां से मैं लिख सकता हूं डेल पी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू -μ बार इंटू
एट म्यू इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, सॉरी अपॉन आर स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ मैं। सो अब यहाँ से मैं निकालना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ से मैं निकालना चाह रहा हूँ जो प्रेशर डिफरेंस है पाइप के दोनों एंड पे वो। तो ये इसके इससे हमको एक इक्वेशन मिलेगा, दैट इज द एग्जैक्ट हाइगन पॉलिजियन इक्वेशन, जिसका यूज़ हम लोग फ्रिक्शनल हेड निकालने के लिए करते हैं, द लॉस इन हेड ड्यू टू फ्रिक्शन, एच एफ कैलकुलेट करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। सो जो हाइगन पॉइजन इक्वेशन होगा वो हमको देगा हेड लॉस इन फ्रिक्शन। सो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक पाइप का, वो जो हमारा पाइप है उसमें हम लोग दो सेक्शंस ले लेते हैं, सेक्शन वन एंड सेक्शन टू। सेक्शन वन पे जो प्रेशर है दैट इज पी वन, एंड सेक्शन टू पे जो प्रेशर है दैट इज पी टू। सेक्शन नंबर पी वन और पी टू के बीच जो लेंथ है दैट इज एल। अब हमने देखा है द प्रेशर ग्रेडियंट, हमने और मैंने ये भी बताया था कि प्रेशर ग्रेडियंट हमेशा कांस्टेंट होता है, डेल पी बाय डेल एक्स इज कांस्टेंट, ठीक है। सो प्रेशर ग्रेडियंट की वैल्यू आई माइनस यू मीन इनटू 8 म्यू बाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू है। सो इस वैल्यू का यूज करके इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके मुझे प्रेशर डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। सो इंटीग्रेट करता हूँ इस इक्वेशन को अगर मैं, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ट्रांसफर करता हूँ, डेल पी इज इक्वल टू माइनस यू बार इंटू 8 म्यू इंटू डेल एक्स बाई आर स्क्वायर। नाउ इसको इंटीग्रेट करता हूँ, सो फ्रॉम 2 टू 1 डेल पी इज इक्वल टू माइनस फ्रॉम 2 टू 1 सेक्शन नंबर 2 टू सेक्शन नंबर 1 यू बार इंटू 8 म्यू इंटू डी एक्स बाई आर स्क्वायर, डेल एक्स बाई आर स्क्वायर। सो डेल एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू माइनस यू मीन एवरेज, आपका जो यू एवरेज है दैट इज कॉन्स्टेंट, 8 म्यू भी कॉन्स्टेंट है और आर स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट, इसको बाहर लिख लेते हैं, विल बी इक्वल इन टू एक्स। फ्रॉम यहाँ से देखिए डिस्टेंस, ये जो सेक्शन नंबर 1 पे आपका x इज इक्वल टू 0 है और सेक्शन नंबर 2 पे x इज इक्वल टू एल है, हम 2 से 1 पे जा रहे हैं, सो लोअर लिमिट विल बी एल एंड अपर लिमिट विल बी 0। सो यहाँ से आएगा पी वन माइनस पी टू विल बी इक्वल टू माइनस u बार 8 म्यू बाई आर स्क्वायर इंटू माइनस एल, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया आपका। सो पी वन माइनस पी टू डेट इज प्रेशर डिफरेंस विल बी u एवरेज इंटू 8 म्यू एल बाई आर स्क्वायर, ओके। नाउ ये है प्रेशर डिफरेंस, अब अगर मैं इसको वेट डेंसिटी से डिवाइड कर दूंगा, डेट इज रो g से डिवाइड कर दूंगा, तो ये बन जाएगा प्रेशर हेड या फिर लॉस ऑफ प्रेशर ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर में चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो फ्लो है, ठीक है, फ्लो के अलांग यहाँ पर पाइप में फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि पी बाई रोजी, वॉट इज पी बाई रोजी, पी बाई रोजी इज फ्लो एनर्जी, दैट इज वर्क रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। सो अगर मैं इसको रोजी से डिवाइड कर दूँ, सो दैट विल बिकम फ्रिक्शन लॉस, तो पी वन माइनस पी टू बाई रोजी विल बी द फ्रिक्शन लॉस एच एफ, that will be equal to u mean into 8 mu into l by rho g r square, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकता हूँ एच एफ विल बी इक्वल टू यू मीन इंटू 8 mu l अपॉन rho g r square। सो दिस इज द हाइगन पॉइसन इक्वेशन फॉर फ्रिक्शनल लॉस इन पाइप। नाउ r दैट इज रेडियस ऑफ पाइप को लिख सकता हूँ डायमीटर कैपिटल में डी बाई टू। सो एच एफ लिख सकता हूँ मैं 32 म्यू यू बार एल बाई रो जी डी स्क्वायर। अगर यू बार बोलने में कॉम्प्लिकेट लगता है, याद करने में अगर आसानी नहीं है, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं यू बार इक्वल टू वी, वी भी यहाँ पर मीन वेलोसिटी है, सो लिख सकता हूँ एच एफ विल बी इक्वल टू 32 म्यू इंटू वी इंटू एल बाई रो जी डी स्क्वायर। सो दिस इज द हाइगन पॉइसन इक्वेशन फॉर फ्रिक्शनल लॉस इन पाइप। सो आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जल्दी हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे नेक्स्ट वीडियोस पे। अगर आपको आज की वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल सकते हैं। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबाइए। मेरे और मेरे गेट अकाउंट प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू।